बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड हियर वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। तो आप लोगों को वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क बताता हूँ। वैलेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ एटम टू कनेक्ट टू कंबाइन विद अनदर एटम। जैसे यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरो की भी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और 2 क्लोरो की मिला के 2 है, एक की एक। इसी तरह एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और 3 क्लोरो की भी 3 है। लेकिन इट इज़ नॉट अ बेटर आइडिया, इससे अच्छा आइडिया हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ने दिया, क्योंकि वो ना सिर्फ हमें कैपेबिलिटी ऑफ एटम टू कंबाइन विद अनदर एटम इसके बारे में बताती है, बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी पता चलता है कि कौन इलेक्ट्रॉन का डोनर है और कौन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। आई मीन टू से इट इज़ अ एपरेंट चार्ज आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव ऑन आ एटम। जैसे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मतलब जो एक बॉन्ड बना है उसमें ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है और ये उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इस क्लोरो ने लिया और एक इस क्लोरो ने लिया, ओवरऑल ये -2। और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और क्लोरो ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। और एलिमेंट की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। एंड रिमेंबर, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का अल्जेब्रिक सम, उसका अल्जेब्रिक सम 0 होते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ऑक्सीजन की, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है। जैसे सोडियम +1 होता है तो 2 सोडियम +2 और ऑक्सीजन होगा -2 टू कीप इट न्यूट्रल। इसी तरह पोटाशियम ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ओवरऑल 0 होगी। एक पोटाशियम +1 होता है, 2 +2 और ऑक्सीजन होगा -2, ओवरऑल ये 0। तो ये भी है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद परऑक्साइड, और परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जैसे अगर आप पोटाशियम को लो तो एक पोटाशियम +1 है, 2 +2 होंगे, और इसको न्यूट्रल रखने के लिए 2 ऑक्सीजन -2 होंगे। इसका मतलब एक ऑक्सीजन, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो KO, तो एक पोटेशियम के ऊपर +1 आएगा और एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 आएगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट -1 हो तो दैट इज अ परऑक्साइड। और सुपरऑक्साइड, इट इज विद -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे KO2, यहाँ पे देखिए एक पोटेशियम +1 है और 2 ऑक्सीजन -1 है, एक क्या होगा, एक होगा -1/2। -1/2 मीन टू से इट इज अ सुपर ऑक्साइड। और कभी कभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो -2 है, -1 है, -1/2 है, ये डिपेंड करती है अपने नेबरिंग एटम के ऊपर। मतलब ये देखो, ये सबके अंदर माइनस ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन प्लस भी हो सकती है, कभी कभी ये पॉजिटिव में भी जा सकती है। जैसे जब ये ऑक्सीजन से मिले, फ्लोरीन से मिले, जैसे OF2, यहाँ पर ऑक्सीजन +2 है और 2 फ्लोरीन -2 है, इसका मतलब एक फ्लोरीन -1 होगा। आई जस्ट वांट टू से कि ऑक्सीजन -2 भी हो सकती है, -1 भी, -1/2 भी, और सम टाइम प्लस भी हो सकती है। एंड देन कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो ये अकेला एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एटम है हाइड्रोजन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लोरीन की भी ओवरऑल 0, और यहाँ पे एक क्लोरो की -1 और एक हाइड्रोजन की +1, ओवरऑल ये 0। और ऑक्सीजन -2 होता है तो 4 के लिए हो जाएगा -8, और मैग्नीशियम +2 होता है तो सल्फर होगा +6 टू कीप इट न्यूट्रल। एंड देन मीथेन, कार्बन एट अ सेम टाइम +4 भी हो सकते हैं, -4 भी हो सकते हैं और 0 भी, एज आई एम गोइंग टू क्लियर यू ओवर टू हियर। इसे देखिए, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम, तो हाइड्रोजन होगा +4 और कार्बन होगा -4, ओवरऑल ये 0।
जबकि यहाँ पे क्लोरो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये होगा माइनस फोर, एक के लिए माइनस वन और चार के लिए माइनस फोर, और कार्बन होगा प्लस फोर। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन माइनस टू होते हैं तो छः कितने होंगे माइनस ट्वेल्व, और एक हाइड्रोजन प्लस वन होता है तो बारह कितने होंगे प्लस ट्वेल्व, और कार्बन है यहाँ पर जीरो। तो आपको पता चला कि कार्बन एट अ सेम टाइम माइनस फोर भी हो सकते हैं, कार्बन प्लस फोर भी सकते हैं, और इवन कार्बन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी काम कर सकता है एज अ ब्रिज। जब ये एज अ ब्रिज काम करता है तो ये ओवरऑल जीरो भी हो सकता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। एंड देन सल्फेट, इसके अंदर ओवरऑल अलजेब्रिक सम माइनस टू बचना चाहिए, बचना चाहिए इतना। तो याद रखिए एक ऑक्सीजन तो माइनस टू होता है, तो चार ऑक्सीजन कितने होंगे, चार ऑक्सीजन होते हैं माइनस एट, तो सल्फर होगा प्लस सिक्स और बाकी बच के ऑक्सीजन स्टेट माइनस टू, और ऑक्सीजन होता है माइनस टू, तो तीन कितने होंगे, तीन ऑक्सीजन होंगे माइनस सिक्स, तीन ऑक्सीजन होंगे माइनस सिक्स, और एक नाइट्रोजन होगा प्लस फाइव, और उनसे चार्ज बचा माइनस वन, दैट इज ओवर टू एयर। इसी तरह ऑक्सीजन माइनस टू होते हैं, हाइड्रोजन प्लस वन होता है तो चार्ज लेफ्ट बिहाइंड इज माइनस वन। सेम ये जो मैग्नेट है, ऑक्सीजन माइनस एट हो गया, एक के लिए माइनस टू और चार के लिए माइनस एट, और मैंगनीज हुआ प्लस सेवन और बाकी चार्ज बचा माइनस वन, दैट इज ओवर टू हियर। इसी तरह एक ऑक्सीजन माइनस टू और सात कितने हुए माइनस फोर्टीन, और माइनस टू बचाना है इसका मतलब दो क्रोमियम कितने होंगे प्लस ट्वेल्व, और एक क्रोमियम कितना होगा प्लस सिक्स, और एक ऑक्सीजन माइनस टू और तीन हो गए माइनस सिक्स, अब माइनस टू बचना चाहिए इसका मतलब कार्बन इज प्लस फोर। तो दिस इज द वे टू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, कंडक्शन थ्रू सॉलिड मेटल्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो, किसका मेटल का, क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो कैटाइन्स होते हैं, दे स्टार्ट टू ऑसिलेट एंड दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस ऑन द वे ऑन द ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग कम हो जाएगी तो कंडक्शन भी कम हो जाएगी, और जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लें, किस मीडिया में लें, और क्या कैथोड और एनोड पे हासिल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप NaCl मोल्टन लो तो वी आर वेरी क्लियर, मोल्टन का मतलब सोडियम क्लोराइड को पिघला लिया है हमने, वाटर नहीं है उसके अंदर, वो खुद ही पिघला लिया है उसको, हमने उसको मेल्ट कर लिए, तो कैथोड पे जाएगा सोडियम और एनोड पे जाएगा क्लोरीन, सिंपल। अगर लेड ब्रोमाइड मोल्टन हो, अगेन कैथोड पे जाएगा लेड और एनोड पे जाएगी ब्रोमीन गैस, बट हेयर इज अ टेक्निकल जॉब। अगर NaCl एक्वस हो तो एक्वस का मतलब है कि इसके अंदर वाटर आ गया, अब वाटर आने से दो कैटाइन बनेंगे, एक सोडियम और एक हाइड्रोजन, और दो एनाइन बनेंगे, एक क्लोरो और एक OH नेगेटिव। अब इट इज अ मैटर ऑफ देयर रिलेटिव टेंडेंसीज, अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है वही जाएगा एनोड और कैथोड में। अब इन दोनों को जब कंपेयर करें तो कौन अच्छा, कैथोड पे वो जाते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जिन्हें इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, तो इन दोनों में कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर, सोडियम कैथोड पर रिलीज नहीं होगा। और क्लोरीन और हाइड्रोक्सल में से कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन का डोनर है, क्लोरो है, तो क्लोरो विल बी रिलीज एट एनोड। कॉपर क्लोराइड जब एक्वस लें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉपर क्लोराइड एक्वस का मतलब इसके साथ आ गया वाटर, तो कॉपर और हाइड्रोजन में से कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, कॉपर, और क्लोरो और हाइड्रोक्सल में से क्लोरो, तो ये तो कॉपर सॉलिड एनोड कैथोड पे आएगा और क्लोरीन रिलीज होगी एनोड से। अब अगेन इट इज अ टेक्निकल जॉब। कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट फिर से एक्वस है, एक्वस, जब ये एक्वस है तो कॉपर और हाइड्रोजन का कंपैरिजन कराया तो कॉपर आएगा कैथोड पे, लेकिन सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आइन, नाउ हाइड्रोक्साइड आइन जाएंगे एनोड पर, और फिर हाइड्रोक्साइड आइन कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में और ऑक्सीजन में, एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज फ्रॉम कैथोड। और कैसे होता है ये,
ये जो चार हाइड्रोक्सल के आयंस होते हैं ना, ये मिलके बना देते हैं टू वाटर के मॉलिक्यूल और प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो कि ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब एनोड पर सल्फेट नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन गए। और अगर पोटाशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लो, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब फिर से वाटर, तो H और K में से कौन कैथोड पे कलेक्ट होगा? हाइड्रोजन। और नाइट्रेट और हाइड्रोक्सल में कौन एनोड पे जाएगा? हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड रिलीज करेंगे ऑक्सीजन गैस। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, एक्वस में से फिर सोडियम और हाइड्रोजन का कंपैरिजन, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे और हाइड्रोक्सल जाएंगे कोई भी एनोड पे और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वाटर, वाटर इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन है, तो इन दो में से कोई भी एच दैट इज गोइंग टू रिलीज फ्रॉम कैथोड और हाइड्रोक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फेट जाएंगे एनोड पर और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। देन जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को भी आपने वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, तो जिंक और हाइड्रोजन का कंपेरिजन है, तो हाइड्रोजन विल बी रिलीज फ्रॉम कैथोड एंड हाइड्रोक्सल विल बी कनेक्टेड एट एनोड एंड ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है? इट इज कंडक्शन ड्यू टू फ्यूज्ड आर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन होती है इट इज ड्यू टू मोबाइल आइंस। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट हो और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कॉपर कैथोड का बना हुआ है, कॉपर एनोड का बना हुआ है, तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड से कॉपर अपने आयन्स में डिजोल्व हो जाएगा और डायाफ्राम सेल से बनाते हो NaOH, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, दैट इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होते हैं 37% NaCl, मतलब 37 ग्राम NaCl होगा और बाकी सारा वाटर होगा। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और कैथोड बना होता है स्टील और लाइंड विथ एस्बेस्टोस, और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है एंड इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट वेयर स्टीम कीप्स परफोरेशन, जो सुराख होते हैं ये उसको साफ रखता है। और रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोक्सल, और इट इज स्टॉप्ड बाय पुटिंग अ डायाफ्राम, और हाइड्रोक्सल मे नॉट कंटामिनेट क्लोरीन। तो इसके लिए आपने क्या किया होता है, एनोड लेवल को स्लाइटली हायर लिया होता है विद ब्राइन सॉल्यूशन, और इस तरह जो NaOH बनता है वो NaOH 11% होते हैं, NaCl 16% होते हैं, और हम इसकी अगेन एंड अगेन इवेपोरेशन करते हैं एंड दैट रिजल्ट विद NaOH 50% और NaCl 1%, और इतना NaCl एनालिटिकल ग्रेड के लिए अगर आपको काम करना हो तो फिर तो आप इसको मजीद प्योरीफाई करते हो, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं बाय देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड है, अदरवाइज आप एलिमेंट्स को ऐसे बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हो, बट द स्टैंडर्ड चूजन इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इनमें से लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 है, इसका मतलब ये अपने अंदर रिडक्शन कराना नहीं चाहता, ये अपने अंदर रादर देन रिडक्शन ये अपने अंदर ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। फिर अगर आप एल्यूमिनियम का देखो तो -1.6, और जिंक का 0.76, और फेरस का -0.44, और हाइड्रोजन इज चूजन एज 0, आर्बिट्रेरली इट इज चूजन एज 0, और क्यूप्रिक का 0.34। अब प्लस में आ गया, इसका मतलब ये वाले एलिमेंट अपना रिडक्शन करना पसंद करेंगे, ये रिडक्शन करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इनके अंदर ऑक्सीडेशन होना मोर रीजनेबल, मोर कन्वीनियंट और मोर फिजिबल है। और क्यूप्रस की 0.52, आयोडीन की 0.535, और फेरिक की 0.77, सिल्वर की 0.79, और ब्रोमीन की 1.08, और गोल्ड की 1.5, और फ्लोरीन की 2.87। दैट मीन सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? एल्यूमिनियम लिथियम का। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। और सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? दैट इज
क्लोरीन। तो इन एलिमेंट्स को याद करने का तरीका भी है, ये लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, क्यूप्रिक, क्यूप्रिस, आयोडीन, फेरिक, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन। तो इन्हें याद करने का तरीका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट, आपको थोड़ा आसान होगा इस सीरीज को याद करना। तो आप इसे याद करिए, लिटिल या लवली, किन्जा, कैन स्टिल मैरी, अलीजिया, कोई मतलब नहीं है, आसानी के लिए बस। और ये याद करिए, क्रोन, आयरन, सीडी, न्यूसन, और ये लवली हाउस, और ये क्यूट क्यूट इंडियन फीमेल्स, और सिल्वर हैदराबादी बेंजल्स, काल आल फ्रेंड्स। इस तरह आप इसको थोड़ा आसानी के साथ याद कर सकते हो। इसके फायदे क्या हैं? इट इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन, कि क्या रिएक्शन मुमकिन है भी या नहीं। अगर तो किसी भी रिएक्शन का ई नॉट सेल किसी भी रिडक्शन का या ऑक्सीडेशन का जो सम होगा, अगर वो पॉजिटिव में आए, सेल का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सम अगर पॉजिटिव में आए, इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है। और अगर वैल्यू नेगेटिव में आए, इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल, अगर आपको सेल की EMF कैलकुलेट करनी हो, तो हमें पता है कि ई नॉट सेल, किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसके रिडक्शन पोटेंशियल का सम होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। और कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल, अगर आप मेटल की बात करो, तो जो इनमें सबसे ऊपर मेटल है वो अच्छी मेटल है, और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे, मेटल की पावर स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और यहाँ से आगे नॉन मेटल का बिहेवियर बढ़ता जाएगा, और मेटल का बिहेवियर तो कम से कम तर होता जाएगा। फिर इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl, वो अच्छी मेटल है, वो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो डाइल्यूट HCl के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, और जो ऐसा नहीं कर सकती वो अच्छी मेटल्स बिल्कुल नहीं है। और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल, कौन, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एनोड लिया हुआ है और इसको मैंने कैथोड लिया हुआ है, तो ये सारी मेटल्स हैं, तो कौन सी मेटल होगी जो इसको रिप्लेस कर सकती है, जो इससे ऊपर है। या अगर आपने जिंक एनोड लिया हुआ है, तो कौन से एलिमेंट है जो जिंक को रिप्लेस कर सकती है, सारे, इनमें से कोई भी जिंक को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ये नीचे वाले जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसके बाद आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गलवानिक सेल, कंपैरिजन करता हूँ मैं। ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में एट द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और गलवानिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज मोर पावरफुल, मोर यूजफुल एज इन द वे ऑफ एनर्जी, एनर्जी वे मतलब करंट। और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसे कैरी ऑन रखने के लिए हमें करंट सप्लाई करना पड़ता है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये खुद ब खुद होते हैं, स्पॉन्टेनियस है, और हीट इवॉल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक। और इनका एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर रिडक्शन होती है। एंड थोड़ा सा डिफरेंस कि इसका एनोड, ओवरऑल एनोड होता ही पॉजिटिव है, लेकिन एनोड कंपार्टमेंट नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन हो ऑक्सीडेशन ही रही है, और कैथोड का कंपार्टमेंट पॉजिटिवली चार्ज है और इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, इसके अंदर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, और ये वन कंपार्टमेंट के अंदर सारा सेल इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अंदर साल्ट ब्रिज होता है जो कि KCl है, एक जेल होता है, और ये टू कंपार्टमेंट्स है, ये और ये एक दूसरा कंपार्टमेंट। और अगर आप देखो तो ये एनोड है, ये कैथोड है, और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं तो ये डायरेक्ट करंट एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करता है, और ऐसा करने से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइज्ड एल्युमिनियम और बहुत सारे फ़ायदे हम हासिल करते हैं। और इस केस में ये एनोड का डिपार्टमेंट है जो कि जिंक सल्फेट के वन मोलर सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है,
ये कॉपर कैथोड का कंपार्टमेंट है जो कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, और होता के ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है एनोड को और एनोड इलेक्ट्रॉन देता है कैथोड को। बट समथिंग वेरी वेरी स्पेशल इज, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इलेक्ट्रॉन देने से सल्फेट इलेक्ट्रॉन देगा ना, SO4-2 इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ पे सल्फेट खत्म हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज खत्म हो जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेने से कॉपर +2 खत्म होता जाएगा कॉपर में, लेकिन सल्फेट SO4-2 वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। इधर सल्फेट का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया है, इधर सल्फेट का नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल कर चुके होंगे और करंट रुक जाएगा, सीज हो जाएगा। तब साल्ट ब्रिज क्या करता है, सल्फेट के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज को इस कंपार्टमेंट से, कैथोड के कंपार्टमेंट से नेगेटिव के कंपार्टमेंट में पुट करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करता है। और जब इधर नेगेटिव चार्ज होगा एनोड के अंदर, अगर नेगेटिवली कंपार्टमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर इसके अंदर पॉजिटिव कंपार्टमेंट होगा मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, तो ये करंट कैरी करता रहेगा और इस तरह से बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो रन होती रहेंगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल्स हैं नेल्सन सेल, डाउन सेल एट्सेट्रा, और गलवानिक सेल में डैनियल सेल, नाइकेड, निकल एंड कैडमियम एंड फ्यूल सेल। और गलवानिक सेल को लिखने का तरीका ये कि आप पहले एनोड का कंपार्टमेंट लिखो, और एनोड लिखो जिंक है, सॉलिड है, और इसे डिप किया हुआ है जिंक के एक्वस सॉल्यूशन में जो कि 1 मोलर है, और ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को शो कर रही है, और फिर आ जाएगा कॉपर सॉल्यूशन जो कि एक्वस है और 1 मोलर है, और फिर कॉपर का कंपार्टमेंट जो कि सॉलिड है। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ गलवानिक सेल, और शी दैट अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और करते क्या है, मेटल को जो कि हाइड्रोजन प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर अडहेयर होती है, इसे इसी के सॉल्यूशन 1 मोलर HCl में पुट कर देते हैं, और तब प्रेशर 180 m, टेम्परेचर 25, और इसकी मोलैरिटी 1 मोलर सेलेक्ट की जाती है, तब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दैट इज आर्बिट्रेरली टेकन एज 0, और तमाम एलिमेंट्स को जब भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करोगे, तमाम एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेड अक्यूमुलेटर, ये सेकेंडरी सेल होते हैं, और ये सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल होते हैं, और एनोड लेड का बना होता है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड का बना होता है, और स्टार्ट में 3.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड होता है तकरीबन, और उसकी परसेंटेज 30% होती है, और डेंसिटी 1.25 ग्राम पर cm की होती है। लेकिन ये जब डिस्चार्जिंग करता रहता है, मतलब अपना करंट बहाता रहता है, अपना पावर कम करता रहता है, तो अल्टीमेटली इसकी डेंसिटी कम होकर 1.15 ग्राम पर cm की हो जाती है, तब इसकी रिचार्जिंग करना पड़ती है, और रिचार्जिंग करने के बाद यही दोबारा से मेंटेन हो जाता है, और इसके अंदर एक सेल तकरीबन 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और अगर 6 सेल हो तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये कार बैटरी में यूज होता है लेड एक्यूमुलेटर। और फ्यूल सेल में एनोड हाइड्रोजन का बना होता है, कैथोड ऑक्सीजन का बना होता है, और इनके दरमियान में KOH एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोड्स हॉलो ट्यूब्स होती हैं जो कि पोरस कार्बन होती हैं, और फिर इनके ऊपर रंग किया जाता है विद प्लैटिनम, और ये बड़े एफिशिएंट है, 75% फ्यूल बॉन्ड एनर्जी को एक फ्यूल सेल 75% बॉन्ड फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है, और बड़े अच्छे फ्यूल सेल हैं। जब आप हाइड्राजीन को यूज़ करो, जब आप वाटर लो बाय कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सो ऑन।